उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जन जागरूकता को लेकर इन दिनों जनपद मुरादाबाद में भी भारत विकसित संकल्प यात्रा का आयोजन गांव-गांव में किया जा रहा है और जनमानस को सरकार की योजनाओं से रूबरू कराया जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत चौधरपुर में भी जन जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें कांठ के पूर्व विधायक राजेश कुमार सिंह चुन्नू और मुरादाबाद ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख मनीष सिंह द्वारा जनमानस को जन जागरूक किया गया, सरकार की योजनाओं से रूबरू किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान सुनहपाल सिंह ने की और कार्यक्रम का संचालन पंचायत सचिव आमोद चौहान द्वारा किया गया। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं पर ग्रामीणों को बताया गया और सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया गया। आज भारत विकसित संकल्प यात्रा का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि निवर्तमान विधायक श्री राजेश कुमार सिंह चुन्नू जी हमारे मुख्य अतिथि रहे और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जी ने सब लोगों को संबोधित किया और सब लोगों से मोदी जी की जो योजनाएं चल रही हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सारी, उनका जो लाभ मिल रहा है उसका मोदी जी को धन्यवाद करने के लिए और जो वंचित रह गए हैं योजना से वो इस योजनाओं में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो सब लोग लगें और जो भी वंचित रह गए हैं उनको जोड़ें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का जन संख्या को लाभ मिल सके। आम जन से अपील भी क्या रहेगी अपने इस कार्यक्रम को लेकर के? मेरी यही अपील है कि जनता जागरूक हो, अपने अधिकारों को जाने और जो जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार दे रही है उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी और देश के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करें। उनका मैं भी बारंबार धन्यवाद करता हूँ जो जनता के लिए इतनी सारी बारीक योजना, रसोई से लेके उनके विवाह, स्वास्थ्य, हर विषय को लेके संवेदनशील हैं और उस पर बढ़ चढ़ के अंतिम पायदान पे खड़े जनसंख्या को, लोगों को उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवा रहे हैं। चौधरपुर गांव पहुंचे हम, ये मुरादाबाद ब्लॉक का गांव है और भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रोग्राम के चलते हम इसमें शामिल हुए थे आज और जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उन सबको लागू करने के लिए और उन सबका प्रचार प्रसार के लिए ये संकल्प यात्रा चलाई गई है और उसी में जहां भी संकल्प यात्रा जाती है वहां किसी न किसी जनप्रतिनिधि का या पार्टी कार्यकर्ता का वहां प्रोग्राम लगाया जाता है। इसी क्रम में आज मेरा प्रोग्राम यहां चौधरपुर में लगाया गया, अब मैं इसी क्रम में उपस्थित हुआ। सर, जनमानस से क्या कहना चाहते हैं? जनमानस से ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने जब एक लाभ दिया है, सरकार ने मोदी जैसे प्रधानमंत्री जैसे कोई मिलेंगे नहीं और जितनी योजनाएं इन्होंने जन कल्याणकारी लागू की हैं उनका जनता को भरपूर फायदा उठाना चाहिए और इन विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन सबकी जानकारी लेनी चाहिए और सब में अपना रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ उठाना चाहिए। जो लोग लाभ पाने से रह गए उनसे क्या कहना चाहिए? सबके जो लाभ पाने से रह गए उनका हाथ के हाथ हम रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं, हाथ के हाथ उनकी व्यवस्था हो रही है, किसी का आयुष्मान कार्ड बना हुआ नहीं है तो बन रहा है, किसी के पास वृद्धावस्था पेंशन नहीं है तो बनाई जा रही है, BDO साहब वहाँ मौजूद है, बाकी सब लोग जितने भी अधिकारी हैं ब्लॉक के वो सब वहाँ मौजूद हैं।